तो आज मैं बात करूंगा मार्वल के कुछ न्यूज़ अपडेट्स एंड रूमर्स के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली डेडलाइन की तरफ से हमें ये पता चला है कि जूनो टेम्पल को कास्ट किया गया है वैनम 3 मूवी में, बट किस रोल में वो ना मुझे पता है और ना ही उन लोगों ने बताया है। अब बात करते हैं एक रूमर के बारे में, और वो रूमर है वैनम 3 मूवी से रिलेटेड। तो रूमर ये है कि ओवेन विल्सन बातचीत कर रहे हैं सोनी पिक्चर्स के साथ ताकि वो हमें दिख सके वैनम 3 मूवी में, बट किस रोल में वो कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि वो हमें मूवीज के रोल में दिखाई दे और वैनम 3 कनेक्ट हो एमसीयू से। हो सकता है ऐसा, क्योंकि रूमर्स से पास्ट में कि मल्टीवर्स से कनेक्टेड होने वाली है वैनम 3 मूवी, मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा वैनम 3 मूवी में। तो लेट्स सी कि ये रूमर्स सच होता है या नहीं होता है। वैसे अगर ऐसा होता है कि मोबियस हमें दिखाई देता है कि वैनम 3 मूवी में, तो मोबियस एक मेन कैरेक्टर हो जाएगा मल्टीवर्स का, जैसे कि निक फ्यूरी सर हैं। तो मोबियस भी हमें हर प्रोजेक्ट में दिख रहे हैं मल्टीवर्स से रिलेटेड, जैसे कि डेडपूल 3 में रूमर से। तो जहाँ जहाँ मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी मोबियस पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ हमें दिखाया जाएगा इन फ्यूचर। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। वैसे अब बात करती है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी है स्कारलेट जॉनसन और ग्वेनेथ पैल्ट्रो। तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्कारलेट जॉनसन ब्लैक विडो का रोल प्ले करती है और ग्वेनेथ पैल्ट्रो पेपर बोट्स का रोल प्ले करती है। तो उन्हें पूछा गया था कि वो रिटर्न आएगी या नहीं आएगी एमसीयू की मूवी में, उनका रिटर्न होगा या नहीं होगा उनका जो कैरेक्टर है उस रोल में। तो स्कारलेट जॉनसन ने कहा है कि आई एम डन, चैप्टर इज ओवर, उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया। ये स्कारलेट जॉनसन ने कहा है। ग्वेनेथ ने कहा है कि आई थिंक आई एम डन, और उनका कहना ये है कि वो मरी नहीं है मूवी में, तो वो हमें दिख सकती है। अगर वो लोग बुलाते हैं तो शायद वो दिखाई दे सकती है हमें 64-year-old पेपर पॉट्स, और आगे क्वेश्चन मार्क था उनके तरफ से। तो लेट्स सी कि क्या होता है। उन दोनों का रिप्लाई था रिटर्न होने पे, और रिसेंटली क्रिस इवांस से भी कुछ ऐसा कुछ कहा है कि वो रिटर्न नहीं होगे, वो खुश है ऐसा वगैरह। बट मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कि सब लोग रिटर्न होंगे, वो ऐसे बोलते रहते हैं जितना मुझे पता है, क्योंकि वो सब लोग ही ऐसा बोलते रहते सब रिटर्न होने वाले, जैसे कि ह्यूज जैकमैन सर भी बोलते आ रहे थे बहुत पहले से, बट वो भी रिटर्न हो रहे। थोड़ा सब्र करना चाहिए हम लोगों को, हमें पता चल जाएगा। हाँ, अगर उनका कुछ जेन्युइन रीज़न होगा तो हो सकता है कि वो नहीं रिटर्न हो, बट जितना अभी मुझे बताए तो सब रिटर्न हो गए, ये तो बस ऐसी हवा में वो लोग बोल रहे हैं। वैसे अब बात करते हैं और एक रूमर के बारे में। तो रूमर ये है कि एवाना सैकनो हमें दिख सकती है एमसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में। आप लोग सोचोगे कि कौन से प्रोजेक्ट में दिख सकती है एमसीयू के, तो वो हो सकता है कि ये हमें दिखाई दे ब्लेड मूवी में। पॉसिबिलिटी है कि हमें ब्लेड मूवी में दिखाई दे, जितना मैंने सुना है। लेट्स सी, रूमर कंफर्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और एक रिसेंटली डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज़ का फिल्मिंग का इमेज आया, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर हमारा हमें डेयरडेविल दिखाई देता है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इतनी न्यूज़ थी आज के दिन। अब जो कुछ भी होगा वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगा, मैं आप लोगों को आके बता दूंगा। फिलहाल आई थिंक कल वीडियो नहीं आएगा, कल परसों शायद। तो मिलते हैं, जब भी आ जाएगा 2-3 दिन के बाद वीडियो आएगी, तब देख लेना आप लोग, मैं कवर कर लूँगा सब चीज़, मेन मेन चीज़। तो वेट करो, तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।